Hey, what's up everyone? I am Yuri Jain, welcome back to our channel. Hope you all are well. तो आप चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में इस बार दो नए बेस डाले थे और आपको वोट करने को कहा था, हालांकि बहुत कम लोगों ने वोट करा है, पर वो जो दो बेस थे उनकी टेस्टिंग वाली वीडियो में लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बंदे को टेस्ट दिया है और इसकी आर्मी जो मैं पहले बता देता हूँ, तो इसकी जो होग और माइनर है वो टाउन हॉल 12 के हिसाब से है और ये टाउन हॉल 11 पे अटैक कर रहा है। तो देखते हैं ये वाला बेस कैसा डिफेंड करता है। तो इसने विजार्ड उतार दिया और फ्लिंगर उतार दिए ताकि इस साइड का क्लीन हो जाए और बीच में एक बेबी ड्रैगन उतारा है और उस तरफ इसने क्वीन उतारी है ताकि ये इन्फर्नो टेक डाउन कर ले फटाफट जल्दी से जल्दी। दीवार ब्रेक कर दी है और उसका बेबी ड्रैगन मर चुका है और जो क्वीन है उस पर एक एक्सबो और एक आर्चर टावर लॉक हो रखा है और जो क्वीन है वो अंदर की तरफ को जा रही है और ये इन्फर्नो ने इसको लॉक कर लिया है, ठीक है। पर यहाँ पे इसने वॉल ब्रेकर डाले और दीवार तोड़ दिए ताकि क्वीन अंदर को जाएगी और जो क्वीन है वो बाहर बिजी हो रखी है और इन्फर्नो ने उसको फिर टारगेट कर लिया है। और मुझे लग रहा है ये क्वीन तोड़ने से पहले शायद से इन्फर्नो चार्ज हो जाएगा और चार्ज हो गया था, पर इसने फ्री स्पेल डाला तो 50% वो यूजफुल भी था और 50% वेस्ट हुआ है। और फ्लिंगर मशीन ने इस साइड से क्लीन कर दिया है और सामने से इसने एक विजार्ड डाल दिया है ताकि क्लीन अप शुरू हो जाए। और यहाँ का जो इन्फर्नो है मल्टी पे लगा हुआ है तो इसने सारी अपनी हाइब्रिड आर्मी डाल दी है और सीसी की जो ट्रूप है उसने क्वीन को दुखी करा हुआ है, पर क्वीन पे इसने रेस गिरा है जल्दी, तो इसने अपनी सारी आर्मी डाल दी है और जो किंग है वो उसके पीछे पड़ गया और जो क्वीन है वो भी उनके पीछे पड़ चुकी है। और उसने हील स्पेल डाला है ताकि इसके होम जिंदा रहें, पर मल्टी इन्फर्नो अच्छा खासा लगा हुआ है ये। और इसने एक और हील स्पेल डाला है ताकि जो इसके माइनर वगैरह हैं वो जिंदा रहें आगे के लिए। और उस तरफ उसने किंग उतार दिया और इस तरफ टाउन हॉल जा चुका है क्योंकि क्वीन ने उसको टेकडाउन कर लिया है। और यहाँ पे जो क्वीन है उसकी अबिलिटीज ऐसे इस्तेमाल होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया पता नहीं कब हुई, पर ये जो आप देख रहे हो इसके सिर्फ वो सिर्फ माइनर्स बचे हैं, होग इसके मर चुके हैं और उस तरफ जो क्वीन है फिलहाल वो जिंदा ही है। और इन्फर्नो जो है मल्टी इन्फर्नो उसने अच्छी खासी लेनी देनी कर रखी है, तो इसके होग और माइनर अपग्रेडेड हैं, बट स्टिल ये 3 स्टार नहीं ले पाएगा मेरे ख्याल से, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। इसकी एक और हीलर मर गई है तो टाइम खत्म हो गया और ये 92% लेके गया है, वो भी इसके होग और माइनर टाउन 12 के थे। अब बढ़ते हैं सेकंड बेस की तरफ, क्योंकि आपको पता होगा मैंने कम्युनिटी पोस्ट में दो बेस शेयर करे थे, तो अब बढ़ते हैं सेकंड बेस की तरफ। ये है वो दूसरा वाला बेस, पर जो इस बेस का लेआउट है वो थोड़ा सा चेंज करा हुआ है मैंने, आप यहाँ फोटो में देख सकते हो, पर अभी जो टेस्टिंग हुई थी वो मैंने इसी बेस में करी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस बंदे की जो क्वीन है वो टाउन हॉल 13 के हिसाब से मैक्स है 75 की, और यहाँ जो बेस है सारा डिफेंस जो है वो टाउन हॉल 12 के हिसाब से है। तो उसने क्वीन उतारी ताकि इस तरफ का सब कुछ जल्दी क्लीन कर ले और क्वीन इसको कर भी लेगी क्योंकि 75 की है। तो किंग टेकडाउन हो चुका है, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड अप कर देता हूँ कि एक जल्दी से जल्दी सब चीज़ क्लीन कर लेगा, ठीक है। और इसने यहाँ पे रिकॉल स्पेल दिया और क्वीन को वापस बुला लिया क्योंकि ये वहाँ का क्लीन कर चुका था, पर इसकी जो क्वीन है उसको इन्फर्नो ने लॉक कर लिया और इसके फ्री स्पेल बचे नहीं है अब, तो क्वीन की एबिलिटी जा चुकी है, ठीक है। और इसने सारी आर्मी अपनी उतार दी है हाइब्रिड वाली, तो स्कैटर शॉट्स शुरू हो चुके हैं। सिर्फ हमारे बेस में एक स्कैटर शॉट्स ही हैं जो टाउन हॉल 13 के हिसाब से हैं, वो भी मतलब लेवल 1 के हैं, लेवल 2 के नहीं हैं। तो इसने वार्डन की एबिलिटी दे दी और इसका वार्डन भी यहाँ पे भाई 50 लेवल का है, तो मतलब आधे से ज़्यादा बार तो वही सेव कर लेगा इनको। और इसके पास रॉयल चैंपियन भी है जो लेवल 17 की है, और ये क्या हमारी लेवल 2 की रॉयल चैंपियन आ गई और दोनों के बीच में गुत्थम गुत्थी होगी और हमारी लेवल 2 की चैंपियन ने उसको मार दिया भाई साहब। तो इसकी आर्मी आपको दिख रहा है स्क्वायर टाइप का बेस था, तो वो साइड से बाहर को चल गई है और इसके पास एक नया स्टैंड वाली मशीन भी है, तो आर्मी इसकी बाहर की तरफ को आ गई है, बेबी ड्रैगन वगैरह सब क्लीन करने में मदद कर रहे हैं। तो बेस बहुत सारा बचा है और मेरे ख्याल से 1 मिनट बचा है, तो शायद से पता नहीं है 3 स्टार होगा नहीं होगा, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, पर अगर हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी, तो पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये 3 स्टार नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो रॉयल चैंपियन पे उलझे हुए हैं सब अभी फिलहाल, और स्कैटर शॉट जिंदा है, 2 एक्सबो जिंदा है हमारे, और एक इन्फर्नो भी जिंदा है दूसरी साइड, तो इसकी आर्मी लगभग खत्म हो चुकी है भाई। और स्कैटर शॉट ने बड़े अच्छे से टैकल करा है और इसके जो मशीन थी वो टूट गई है और होग उसमें से बाहर आए हैं, एक और स्कैटर शॉट अरे अब नहीं बजेगा, पर स्कैटर शॉट ने बहुत उनको डाउन कर दिया अच्छे से और टाइम रह गया है 20 सेकेंड्स, तो ये बेस 3 स्टार तो नहीं होने वाला है, सीधी सी बात है जहाँ तक दिख रहा है। तो बेस तो ये अटैक हुआ ख़त्म 88% पे सिर्फ 1 स्टार। तो ये जो दोनों अटैकर थे ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैं पहले बता देता हूँ, पर जब बेस नया होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको देखने के लिए, उसकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो बस मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता था कि अगर कोई नॉर्मल अटैकर आएगा और ढंग से अटैक ना करे, कि अगर आर्मी थोड़ी ओवर पावर भी आ जाएगी तो भी ये बेस का डिज़ाइन झेल सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैं जो भी बेस लेके आता हूँ भाई रेयर और एक्सक्लूसिव लेके आता हूँ जो पहले ना देखे हो, तो जिसको पसंद आया दोनों बेस में से जो भी पसंद आया, लिंक आपको पता है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टाउन हॉल 11 से लेकर टाउन हॉल 15 तक। चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर देना, टिल देन स्प्रेड लव, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, आई लव यू ऑल।